हेलो दोस्तों, डी आई ब्यूटी टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ सीमा। आज आपके लिए लेके आई हूँ मैं ग्लो सीरम। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपके लिए ले आई हूँ ग्लो सीरम, जो आप डेली नाइट में यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम एक खाली बाउल। ठीक है दोस्तों, उसमें हम 1 चम्मच एलोवेरा ऐड करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैंने एलोवेरा पतंजलि का ले रखा है, आप कोई सा भी ले सकते हो। आप इसमें 1 चम्मच एलोवेरा ऐड करेंगे। ठीक है, एक चम्मच इसमें हम 1 चम्मच एलोवेरा ऐड करेंगे। ठीक है, हम ग्लो सीरम बना रहे हैं और इसमें हम 1/2 लेमन ऐड करेंगे। ये मैंने पहले से कट करके रखा हुआ है, हम इसमें इसको निचोड़ देंगे। ठीक है, 1 चम्मच मैंने 1/2 ले रखा है। ठीक है, इसमें सॉरी बीज आ गया, हम इसको निकाल देते हैं। ठीक है, हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये थोड़ा फट सा गया है ये। जी हाँ दोस्तों, ये ग्लो सीरम है, बहुत अच्छा ग्लो सीरम है ये। आप डेली नाइट में ऑफिस से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, आप डेली फेस को वॉश करिए, अच्छे नॉर्मल पानी से वॉश करिए और अपने फेस पे अप्लाई करके सो जाइए। ठीक है दोस्तों, ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत बेनिफिट है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसमें एक विटामिन ए की कैप का कैप्सूल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें विटामिन ए का एक कैप्सूल ऐड करूँगी। ठीक है, आप इसको खूब अच्छी इस तरह से मिक्स कर लीजिए। आप इसको अपने फेस पे अप्लाई करिए। जी हाँ दोस्तों, इसको आप डे में मत यूज करिए, क्योंकि इसमें नींबू डला है। इसको आप बाहर लगा के जाएंगे, फेस काला पड़ सकता है, इसलिए आप इसको डेली नाइट में यूज करिए। अगर आपको इसको लगाना ही है डे में, तो आप जब घर से बाहर ना जाएं तभी आप दिन में लगाइए इसको, नहीं तो मत लगाइए। अगर आपको बाहर धूप में निकलना है तो आप मत लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये बहुत अच्छा ग्लो करेगा, आप इसको डेली रात में लगाइए। अपने फेस पे ऐसे हल्के हल्के हाथों से मसाज करिए, ये थोड़ी देर में अब्सॉर्ब हो जाएगा। और हल्के हल्के हाथों से मसाज करिए, बहुत अच्छा नाइट ग्लो करेगा ये। एक सीरम का काम करेगा, आपके मार्केट से अच्छा बहुत अच्छा ग्लो सीरम है ये। आप डेली नाइट में इसे यूज करिए, फिर बताइएगा कि कैसा है ये ग्लो सीरम। ठीक है दोस्तों, आप इसे यूज़ करिए, यूज़ करने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसा लगा ये। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना जरूर मत भूलना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।